स्वागत है दोस्तों इस नए वीडियो में। आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे डियरनेस अलाउंस यानी महंगाई भत्ते के संबंध में, जिसके बारे में कैबिनेट ने 24 मार्च को यह अप्रूवल दिया है कि 4% का महंगाई भत्ता बढ़ेगा। और इसके बारे में कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या संस्थान को ऑफिशियल लेटर अभी जारी नहीं हुआ है। जब ऑफिशियल लेटर जारी होगा तो उसके साथ भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा। फिलहाल महंगाई भत्ता जो डिक्लेयर हुआ है वो 4% का। नॉर्मली होता यह था कि जनवरी में महंगाई भत्ता 3% का डिक्लेयर किया जाता था और जुलाई में 4% का, यानी पूरे साल में 7% का महंगाई भत्ता जारी किया जाता था। लेकिन इस बार महंगाई के इंडेक्स को देखते हुए, जो ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है उसे देखते हुए 4% का महंगाई भत्ता जारी किया गया। हालांकि मैंने पिछले वीडियो जो बनाए थे उसमें मैंने कहा था कि 3% का महंगाई भत्ता जारी होगा, उसके बाद 4% भी कहा था, और यहां तक यह भी कहा था कि अगर 5 भी हो तो मुझे कोई ऐतराज नहीं है, जितने प्रतिशत महंगाई भत्ता सरकार देना चाहे वो दे सकती है। तो फाइनली 4% का महंगाई भत्ता जारी किया है केंद्र सरकार ने। महंगाई भत्ता और महंगाई राहत, महंगाई राहत आपको मालूम ही होगा कि पेंशनर्स के लिए रहता है महंगाई राहत और कर्मचारियों के लिए रहता है महंगाई भत्ता 4%। और इस 4% के महंगाई भत्ते के साथ 42% हो गया है आपका डियरनेस अलाउंस यानी महंगाई भत्ता। उस हिसाब से क्या कैलकुलेशंस आती है, वो कैलकुलेशंस भी आपके पास वैसे तो आ चुके होंगे क्योंकि ऑलरेडी मैं वीडियो बनाने में लेट हो चुका हूं, लेकिन मैं भी कैलकुलेशंस आपको बता सकता हूं कि 10,000 के महंगाई भत्ते का क्या होगा, 20,000 के महंगाई भत्ता अगर बेसिक है तो उस पर क्या होगा, 30,000 बेसिक, 40,000, 50, 60,000, यानी बेसिक के हिसाब से एक महंगाई भत्ता का कैलकुलेशन भी आप साइड में देख सकते हैं। इस हिसाब से आपके कैलकुलेशंस होंगे, इतनी इंक्रीज मिलेगी। और इस महंगाई भत्ता के साथ आप 50% के महंगाई भत्ता के उतने ही नजदीक पहुंच जाएंगे, जिससे मिलने में कम से कम आपको एक साल का समय तो लग ही जाएगा, क्योंकि जैसे ही 50% का महंगाई भत्ता बढ़ेगा, आपका महंगाई भत्ता यानी 50% हो जाएगा, यानी 8% आप कम है। जुलाई में अगर 3% देती है या 4% देती है तो 45 से 46% होंगे, और अगले जुलाई तक जैसे ही आपका 50% महंगाई भत्ता होगा तो उसके बाद आप में चेंजेस ये आएंगे कि चिल्ड्रंस अलाउंस जो आपको मिलता है, चिल्ड्रंस एजुकेशन अलाउंस CEA, वो आपका 25% एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा। और उसके साथ साथ आपका जो हाउस रेंट अलाउंस है 9:18:27 के रेशियो में जो काम कर रहा है वो आपका 10:20:30 में हो जाएगा कन्वर्ट, यानी 30%, 20% और 10% का हाउस रेंट अलाउंस भी बढ़ के हो जाएगा। तो ये चेंजेस 50% महंगाई भत्ता होने के बाद आएगा। इसी पे चर्चा पहले भी चल रही थी कि अगर कि केंद्र सरकार यह योजना बना रही है कि अगर 50% महंगाई भत्ता होगा तो इट पे कमीशन को ना लाते हुए महंगाई भत्ता और बेसिक को मर्ज करके नया बेसिक बनाया जाएगा, जिसके बारे में मैंने वीडियो में भी बता दिया है और राज्यसभा में जवाब भी दे दिया गया है कि नहीं, इट पे कमीशन तो आ ही रही है, ऐसा कोई प्लान नहीं है। चलिए, खुशी की खबर है कि 4% का महंगाई भत्ता के बारे में कैबिनेट ने अप्रूवल दिया है। जैसे ही ऑफिशियल लेटर आता है तो उसकी भी वीडियो मैं बनाऊंगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।